और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का आपको जानकारी देते। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कैथल से, मंडी प्रशासन की पोल खुल गई है। और ये भी जानकारी देते कि मंडी प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ा किसान, तो पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण भीगा धान, जिसके चलते किसान का काफी नुकसान हो गया है। खुले में रखे धान पर गिरे ओले, इससे पहले भी कई बार जो है ये समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल जो है खराब हो चुकी है। जयपाल रसूलपुर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जयपाल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब खरीद जो होनी थी वो शुरू होने से पहले तमाम वादे, तमाम आश्वासन यहाँ पर दिए गए थे आढ़तियों की तरफ से कि सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पोल एक बार फिर खुल गई है। जी दीपाली, बता दें कि जो है मंडी प्रशासन की पोल जो है बरसात ने खोल कर रख दी है। हालांकि सीजन से पहले जो है बड़े बड़े तमाम जो है दावे किए जाते हैं कि जमीन जो सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको जो है हल कर दिया गया है, परंतु थोड़ी ही बारिश में जो मंडी के पत्थर हालात हो, आज की बारिश के जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है, आज की जो सुबह 7 बजे के करीब की है, जहाँ पर भारी जो है बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो किसान का जो गेहूं है, धान है, जो वो किस तरह से भीग रहा है। बता दें कृपाली, आज कैथल में जो है भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण जो मंडी में जो कोई व्यवस्था नहीं थी, खुले में जो है किसान का धान रखा गया था। ये सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि किसान के धान को किस तरह से जो सुरक्षा दी जाए, परंतु ऐसे कोई भी जो प्रबंध नहीं देखे गए। तो इस नुकसान की भरपाई अब कैसे होगी, क्योंकि हम तस्वीरों में भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे कि जो नुकसान हुआ है वो अन्य किसानों का भी हुआ है कहीं ना कहीं। जी बता दें कि जो कैथल में इस समय धान का सीजन है वो पूरे जो चरम सीमा पर है, और कई हजार जो मीट्रिक टन धान है जो वो मंडी में आया हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि जो अधिकारियों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है, और अधिकारियों के ऊपर ही ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था को संभालने की जिम्मेवारी उन अधिकारियों की होती है जिनकी वजह से किसानों को जो आज लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दीपाली जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल रसूलपुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी यहाँ पर जानकारी दी, आपको बता दें कि तस्वीरों में जरा गौर से देखें कि किसानों की जो ये फसल है मंडियों में लाई गई है बेचने के लिए, वो काफी खराब हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और कहीं ना कहीं यहां पर लापरवाही इन सभी अधिकारियों पर इसका ठीकरा जो है फुटता हुआ नजर आ रहा है।